मैं अपने घर से मात्र 15 कदम की दूरी पे थी। दो लोग बाइक से सामने से आ रहे थे, उनके हाथ में एक छोटी सी कैन थी, और वो मेरे ऊपर डालते हुए वो आगे निकल गए। हल्का सा गुनगुना पानी की तरह वो मुझको लगा। चंद सेकंड के बाद मेरी स्किन ऐसे मेल्ट होके टपकने लगी, कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस चिल्ला जा रहे थे। वहाँ ले जाते के साथ ही मुझे एक शावर के नीचे बैठा दिया गया। मैं इतना कांप रही थी, बस चिल्ला जा रही थी। लोग मेरे को पहले कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे कि आप ऐसी दिखती हो, वैसी दिखती हो। मैं माधुरी दीक्षित जैसा ही लुक रखती थी, छोटे बाल और हमेशा खुले रखना। चेहरा ही इंसान की पहचान होती है, और उस पहचान को और अच्छे से किसी के सामने, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर जो केमिकल गिरा है वो एसिड है। जब मैं छोटी थी, 6th स्टैंडर्ड में थी, और जब टीचर आती थी क्लास में आर्ट की, तो मैं क्लास में नहीं होती थी। मुझे वो जो कलर थे, जो आर्ट थी, वो उस कागज़ पे नहीं दिखानी थी मुझे। वो आर्ट मतलब एक जीना था वो आर्ट मुझे। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है मेकअप किट। लेकिन एक एसिड ऐसा केमिकल है जो 48 घंटे तक शरीर को जलाता है। आपको कोई दवाई उसको शांत नहीं कर पा रहा है। 3 साल तक मैंने अपने आप को नहीं देखा। मेरे घर से सारे मिरर, मतलब जिसमें मैं अपने आप को देख सकती थी, वो हर चीज़ मम्मी ने कहीं ना कहीं गायब कर दी थी। किचन में लॉक लगा कर रखती थी, कोई घर में नहीं था। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ गई, और मुझे पता था कि मुझे शीशा कहीं से नहीं मिलेगा। तो मैंने एक थाली उठाई, और उसमें मैंने अपने आप को फर्स्ट टाइम देखा। और जब मैंने अपने आप को फर्स्ट टाइम देखा, मैं इतना रोई कि मेरा गला तक बैठ गया था, मेरे आंसू तक ख़त्म हो चुके थे, और मैं रो भी नहीं पा रही थी। मेरे लिप्स नीचे आ चुके थे, मेरी आईज स्किन यहाँ तक आ चुकी थी। मतलब हमेशा मैं अपने फादर के साथ आया करती थी, क्यों मैं उस दिन अपने पापा के साथ नहीं आई, क्यों, मतलब क्यों। 3-3.5 साल बेड रेस्ट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना काम खुद का स्टार्ट करूँगी। अब मैंने अपना एक छोटा सा सैलून सेटअप किया। एक ड्रेसिंग टेबल और एक चेयर ही थी उस टाइम मेरे पास। ऐसे ही एक कस्टमर आई, और वो कहने लगी कि आप क्या कर पाओगे। मैंने उनसे एक ही बात बोली, आंटी आपको अच्छा लगे तो आप 10 कस्टमर लेके आइएगा, अगर अच्छा ना लगे तो आप मुझे पेमेंट मत दीजिएगा। मेकअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप से खूबसूरती को उभारा जाता है। टीवी में जैसे दिखाया जाता है वो फैक्ट नहीं होता है कि सर्जरी करी, एक बार में पूरी सर्जरी कर दी और वो चेहरा बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे 6 साल लगे एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने में, और जब मैंने वो सर्जरी कराई, मेरी सर्जरी कम से कम 9 से 10 घंटे सर्जरी चली। वो स्ट्रेचेस काटने थे, तो तब मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे अपने आप को देखना है। जैसे मुझे डर था कि मैं पता नहीं कैसी दिखूंगी, तो उन्होंने अपना खुद का फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन करके कि अब आप अपने आप को देखो। होठ तो अपनी जगह आ चुके थे, लेकिन स्किन उस टाइम अजीब सी लगती है। या तो मैंने तब अपने आप को थाली में देखा था, और सेकंड टाइम मैंने देखा तो किसी के फ़ोन में मैंने अपने आप को देखा था। जब मैं छोटी थी, जब शीशा सामने आता था, तो मैं अपने आप को देखे बिना नहीं रुक पाती थी। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी बेटी के अंदर भी आदत है। वो भी हर टाइम शीशे के आगे कंघी करती रहती है, मेकअप करती रहती है। मुझे रात को ना वो शीशे ढकने पड़ते हैं, तब वो जाके सोती है, वरना वो लेटे लेटे भी शीशे में ही देखती रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता था लिप्स आउटलाइनिंग करना, लाइनर लगाना, मस्कारा लगाना, ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, और लोग मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट देते थे। बहुत अच्छा लगता था आउटलाइनिंग करना, लाइनर लगाना, मस्कारा लगाना। 12 साल में मेरा चेहरा काफ़ी बदल चुका है, लेकिन आज भी मैं बहुत सुंदर हूँ, एकदम परफेक्ट।